आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको दो ऐसी स्किन रीटचिंग की ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आएगी। अगर आपने फोटोशॉप कभी यूज़ भी नहीं किया तभी भी आपको समझ आ जाएगी ये कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो साइड में आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, उससे पहले मैं एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। एंड साइड में आपको काफ़ी सारे टूल मिलते हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना है ब्रश वाला टूल, ये कलर ब्रश वाला। इसमें आपको मिलेगा मिक्स कलर वाला, फोर्थ नंबर पर होगा वो, चूज़ करना आपको। एंड उसकी जो सेटिंग्स होगी वो आपको ऊपर से ये वाली रखनी है, जो चार सेटिंग्स आपको दिख रही हैं 16, 71, 40 एंड 41। ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो एंड जब भी आपको एडिट करनी हो ये स्क्रीनशॉट आपकी हेल्प करेगा। वैसे तो मुझे याद हो चुकी है सेटिंग ये। एंड अभी हमको करना है कि सिंपली अपनी फेस के ऊपर आपको माउस को लेके जाना है एंड उसका लेफ्ट बटन क्लिक करना है एंड राउंड 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 अपने माउस को चलाना है। एंड देख सकते हो थोड़ी थोड़ी स्किन हमारी होने लगी है, स्मूथ होने लगी है। एंड जैसे ही आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी आपको एक और काम करना है जो कि आप स्किन रिटचिंग में काफ़ी ज़्यादा जान डाल देगा, एकदम मज़ा आएगा। सबसे पहले तो हमें जो जो स्मूथ करना है फटाफट से मैं उसको स्मूथ कर लेता हूँ। अगर आपकी कभी गलती हो जाए, जैसे एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा हो जाए, तो आपको कंट्रोल प्लस जेड दबाना है और वो अंडू हो जाएगा, तो दोबारा उसे एडिट कर सकते हो। एंड यहाँ से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, ध्यान से देख लेना हर एक चीज़ को। एंड उसके बाद देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। आपको हीलिंग ब्रश टूल का इस बार यूज़ नहीं करना है ये इस वाली चीज़ ट्रिक में। एंड अभी आपको करना है कि साइड में आपको फिर से काफ़ी सारे टूल मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला टूल है, ये हमारा डोज वाला टूल। ये डोज वाले टूल का आपको साइज़ रख लेना अपने हिसाब से जितना आपको रखना है। एंड इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मुझे एक डोज का इफेक्ट ऐड करना है कुछ इस तरीके से। एंड देख सकते हो काफ़ी सही मतलब चीज़ लगती है ये। आप मतलब एक बार में कभी भी आपका ये सही नहीं होगा, आपको दो चार बार ट्राई करना है जहाँ जहाँ आपको डोज इफेक्ट ऐड करना है, तो वो काफ़ी सही से आपका जो डोज इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। हल्का सा मैं अपनी नोज़ के ऊपर भी इसे डोज इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड सही लग रहा है, अगर आपको सही ना लगे तो कंट्रोल प्लस जेड दबाना है आपको फिर से, एंड फिर से उसे एक बार ट्राई करना है, फिर कंट्रोल प्लस जेड दबाना है, फिर से ट्राई करना है। अगर अच्छा ना लगे तो ऐसे बार बार करते रहना, जब अच्छा लगे तब आपको डन करना है ये चीज़। तो यहाँ से मेरा काम जो हो चुका है डन। अभी थोड़ा सा मैं बर्न का इफेक्ट है जो ब्लैक यहाँ पे, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से अपनी बेड के ऊपर, थोड़ी सी वो डार्क हो जाएगी तो सही लगेगी। स्किन रिटचिंग की फर्स्ट ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इजी थी, देख सकते हो हमारी फेस ब्लर हो चुका है एंड डोज बर्न का इफेक्ट भी काफ़ी सही से आ चुका है। एंड अब आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो एंड आपकी फोटो एकदम मस्त हो जाएगी। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ सेकंड ट्रिक, एक और मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ पुरानी वाली की। एंड अभी आपको करना है जो भी आपकी साइड से आपको हीलिंग ब्रश टूल लेना है एंड अपनी जो सारी हीलिंग ब्रश टूल से आपको सारी जो पिंपल्स वगैरह होंगे उनको इरेज करना है ध्यान से, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करनी। एंड एक और आपको डुप्लीकेट बनाना है ये याद रखना है। एंड उसके बाद कंट्रोल प्लस आई, साइड में आपको ब्लेंडिंग मोड है इसका, आपको रखना है विविड लाइट। एंड ऊपर आपको जाना है फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे अदर में जाना है, अदर में हाई पास का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे जाना है। हाई पास में जाने के बाद आपको इसकी जो रेडियस है इसको 8.8 रखना है या कम ज़्यादा करके देख लेना आपके हिसाब से। एंड इसके बाद हमें जाना है फिर से फिल्टर में, ब्लर में एंड गोशन ब्लर में। एंड इसके गोशन ब्लर का साइज़ रखना है 1.3, 1.5 या 1.6 जितना रखना है उतना रख लेना अपने हिसाब से। एंड उसके बाद आपको जो ये साइड में लेयर मिलती है, देख तो ब्लर तो हो गया, इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसी वाइट वाली एक चीज़ मिल जाएगी लेयर, इसको आपको कंट्रोल प्लस आई दबाना है। एंड ब्लैक हो चुकी है, अभी आपको फिर से नॉर्मल ब्रश है जो हमारा उसे सेलेक्ट करना है, कलर वाला वाइट कलर में सेलेक्ट करना है। एंड आपकी जो साइज़ है ब्रश की से बढ़ाना कम करना जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से रख लेना। तो मैं करीब इतना रख रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ब्रश है जो हमारा चलाना है। एंड जो हमारी स्किन है वो काफ़ी सही से है, स्मूथ हो चुकी है देख सकते हो। एंड यहाँ से भी हम इसे स्मूथ कर लेते हैं। एंड अभी इसमें भी हमें एक इसे मर्ज कर लेना सबसे पहले, तो मर्ज करने के बाद बाकी काम इस पर करना, फिर हम डोज एंड बर्न का भी इस पर यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं इस पर ऐड कर लेता हूँ एंड देख सकते हो काफ़ी सही से इफेक्ट आ चुका है। एंड देख सकते हो सबसे पहले हमारी फ़ोटो थी कुछ इस तरीके की एंड दूसरा ट्रिक्स में हमारी फ़ोटो होगी कुछ इस तरीके की, नॉर्मल ऐसी थी, दूसरी ट्रिक में ऐसी थी एंड फर्स्ट ट्रिक में ऐसी थी। आपको जौन सा भी स्किन रिटचिंग का काम अच्छा लगा वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, दोनों काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। एंड आई होप आपको ये चीज़ पसंद आ गई होगी एंड समझ भी आ गई होगी। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसे लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।